कंपनी जोर। मैं तपन सर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी सर्किट्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रॉपर एसी सर्किट्स के एनालिसिस को कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले जो भी हमने एनालिसिस किया है उनकी वीडियोस को एक बार आप देखें एंड देन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आप इजीली समझ पाएंगे। हम बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी नेटवर्क्स। नाउ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल द अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या गिवन है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 282.8 sin 314 t। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फॉर्म में वोल्टेज गिवन है। क्या फाइंड करना है? RMS वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टाइम t इक्वल्स टू 4 मिली सेकंड। अगर अपनी बात करें इसको सोल्व करने के लिए या किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या पैरामीटर हमें गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, हमें सॉल्यूशन की बात करें हमें गिवन है सबसे फर्स्ट वन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल्स टू 282.8 साइन 314 t। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है Vm sin ओमेगा t। यदि हम इससे जनरल एक्सप्रेशन से जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसको कंपेयर करें तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वोल्टेज की। मैक्सिमम वैल्यू कितना है Vm, Vm की जगह क्या लिखा हुआ है 282.8 वोल्ट। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना गिवन है 314 रेडियन पर सेकेंड। क्या गिवन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन। फाइंड क्या करना है फर्स्ट, हमें फर्स्ट फाइंड करना है आरएमएस वोल्टेज, द आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया था तब लिखा था वी आरएमएस वैल्यू होती है वीएम अपॉन रूट टू। याद आ रहा है भाई वीएम कितना गिवन है 282.8 रूट टू। चलिए डिवाइड करिए वी आरएमएस इक्वल्स टू 288.8 डिवाइडेड बाय रूट टू हमें मिल रहा है 199.96 मींस 199.96 नियरबाय इसके हो गया 200 वोल्ट। फर्स्ट आंसर क्लियर है आरएमएस वैल्यू क्या होती है वी अपॉन रूट टू। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड हमें बोल रहा है हमें फाइंड करनी है द फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर करो ओमेगा कितना होता है 2πf, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है 314 2, पाई कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 314 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3.14। ये दो पॉइंट के ऊपर लगा कर वैल्यू 314 से 314 कैसे 2 से 100 में डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास 50 हर्ट्ज़। या गया सेकंड का आंसर। थर्ड क्या फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट t इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड। चलिए V का एक्सप्रेशन क्या गिवन है
282.8 साइन 314 यहाँ पे टाइम के लिए शुरू कर देते हैं, v इक्वल्स हो जाएगा 282.8 साइन ब्रैकेट 314, टाइम कितना है 4 मिलीसेकंड मींस 4 10 की पावर माइनस 3, ये किसमें गिवन है रेडियन पर सेकंड, पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास एंगल किसमें आ रहा है रेडियन। अब आपके पास दो चांस है, फर्स्ट वन आप कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके वी टू फाइंड आउट करें, या फिर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। चलिए पहले सोल्व करते हैं, 314 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड करें 1000 से, हमें मिल रहा है v इक्वल्स टू 282.8 sin 1.256, ये एंगल किस में है रेडियन में, हमें किसे बदलना है इसको डिग्री में, याद आ रहा है डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिमेंबर पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 अपॉन पाई के, कितना रेडियन की बात हो रही है 1.256 रेडियन, किसके इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई इनटू 1.256। चलिए कैलकुलेट करिए, 180 मल्टीप्लाई 1.256 डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करना है पाई, पाई कितना होता है 3.14, कितना आ रहा है 72 डिग्री, मींस यहां पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे v इक्वल्स टू 282.8 sin 72 डिग्री, डिग्री में आ गया, चलिए सॉल्व करें इसकी वैल्यू, sin 72 कितना होता है sin 72 0.95, v इक्वल्स टू हो गया 282.8 मल्टीप्लाई sin 72 होता है 0.95, मल्टीप्लाई करिए 0.95 को 282.8 से, हमें वैल्यू मिल रही है v इक्वल्स टू 268.95 वोल्ट, यह हमारे पास आ गया वोल्टेज की वैल्यू किस टाइम पे, जब हमारा टाइम है 4 मिली सेकंड। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था, क्या है न्यूमेरिकल में वापस एक बार क्विकली देखिए, हमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन गिवन है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, हमें बोल रहा है आरएमएस वैल्यू बताइए, हमने सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फॉर्म में जो वोल्टेज गिवन है हमने उसको जनरल एक्सप्रेशन से क्या किया कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 282.8, हमने क्या किया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है 314, आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट 2, कैलकुलेट किया आरएमएस वैल्यू अपॉन रूट 2, फिर हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई पाई कितना होता है 3.14, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना है एट टाइम 4 मिली सेकंड, इंस्टेंटेनियस फॉर्म का वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा, टाइम की जगह रखा 4 मिली सेकंड, सॉल्व किया फाइनल आंसर वी गेट। आई होप ये न्यूमेरिकल सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा, फटाफट इसको एक बार कंप्लीट करिए फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, बोर्ड पे विजिबल है, देखिए क्या बोला जाता है, एक कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, फर्स्ट वन कॉइल, कॉइल क्या होता है कॉइल्स होती है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो इंडक्टेंस भी परसेंट हो, ये बोल रहा है एक कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस गिवन है वो किससे कनेक्टेड है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से, एंड हमें ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन क्या क्या गिवन है उसकी तरफ मूव करते हैं, सबसे पहले हमें कॉइल दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 15 ओम, इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी, कॉइल है ये लीजिए हमने कॉइल बनाया है जिसका रेजिस्टेंस है एंड इंडक्टेंस,
किससे कनेक्टेड है? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्टेड। रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। इंडक्टेंस कितना है? 0.1 हेनरी। क्लियर इतना? आइए सबसे पहली बात करना है रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस ऑफ कॉइल। रिएक्टेंस का मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है साथ में? वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट सप्लाई है 50 हर्ट्ज। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? हमें फर्स्ट फाइंड करना है द रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ कोइल। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ कोइल हमें फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहली बात रिएक्टेंस की बात करें। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? XL, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ एल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 2। पाई कितना होता है? 3.14। L कितना गिवन है? 50। L कितना गिवन है? 0.1। चलिए मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 100, 314, ये तो सीधे सीधे आ गया 31.4 ओम। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्सेल कितना आ रहा है? 31.4 ओम। कई बार सिंपल इतना डाटा आ जाता है कि कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। देखो 50 मल्टीप्लाई 200, ये बच गया 314। 0.1 से मल्टीप्लाई किया 31.4 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस। साथ में बोल रहा है इंपीडेंस। अगेन हमें फाइंड करना है इंपीडेंस। अब पड़ेगी कैलकुलेटर की जरूरत। इंपीडेंस क्या होता है? जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल। आर की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस जे एक्सएल कितना निकाला है? 31.4 ओम। यह क्या हमारे पास इंपीडेंस किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फाइंड करने वो क्या फाइंड करना है? करंट। करंट के लिए याद करिए डेरिवेशन में किया था I इक्वल्स टू होता है V अपॉन Z, मतलब हमें इंपीडेंस का डिवाइड करना है। और डिवाइड करते समय हमें किस फॉर्म में चाहिए होता है? पोलर फॉर्म में। तो इस इंपीडेंस को हम लगे हाथ पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। आइए उठे कैलकुलेटर, किस में बदलना है? पोलर फॉर्म में पोल। वैल्यू कितनी है? 15 कोमा 31.4 ब्रैकेट क्लोज। किसका मैग्नीट्यूड आ रहा है? 34.79 मीन 34.8 लिख सकते हैं। 34.8 आरसीएल 10 एंगल आ जाएगा हमारे पास 64.46 डिग्री होम। किसमें आ गया? ये पोलर फॉर्म में इंपीडेंस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। रिएक्टेंस कैलकुलेट हो गया, इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस डन। सेकंड क्या फाइंड करना है हमें? सेकेंड हमें फाइंड करना है यहाँ पर द करंट थ्रू द कोइल। करंट हमें फाइंड करना है। अब करंट की वैल्यू, करंट क्या होता है हमारे पास? आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। वी कितना दे रखा है? 230 एंगल जीरो। जेड कितना दे रखा है? कैलकुलेट किया गया मैंने 34.8 एंगल आ रहा है 64.46 डिग्री। मैग्नीट्यूड का डिवाइड करिए। आई इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 34.8 6.6। ये एंगल ऊपर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 64.46 डिग्री एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट। यहां पर माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि करंट हमारा लैग कर रहा है। रिमेंबर हमने बताया भी था एनालिसिस में इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट हमेशा क्या करता है? लैग करता है। क्लियर है यहां तक? हमने क्या निकाल लिया है? रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ कोइल, करंट थ्रू द कोइल डन। अब क्या फाइंड करना है? पावर फैक्टर। हमें क्या फाइंड करना है? पावर फैक्टर। बस करना है
पावर फैक्टर। चलिए पावर फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमें फाइंड करना है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला? पावर फैक्टर इक्वल्स होता है हमारे पास कोस फाई। फाई क्या होता है? एंगल। कोस कितना एंगल आ रहा है? 64.46 डिग्री। माइनस नहीं लेंगे, माइनस इंडिकेट करता है करंट का नेचर, लीडिंग है या फिर लैगिंग। आइए कोस 64.46, कैलकुलेटर, कोस 64.46 कितना आ रहा है? 0.43। मींस हमारा पावर फैक्टर आ गया 0.43। नेचर कैसा होगा? लैगिंग। ये हो गया थर्ड आंसर। आगे मूव करते हैं एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने। आइए फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ का फाइंड करना है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करें। अब एक्टिव और रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव करा हुआ है। फर्स्ट एक्टिव पावर की बात करें, क्या होता है एक्टिव पावर? पी इक्वल्स टू वी आई कोस फाई। करंट का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था यार? नहीं मेरे को पी इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है? 230। करंट की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? अराउंड 6.6 के नियर बाई थी, याद नहीं है जो भी था भैया वही कितना है। कोस फाई कितना है? 0.43। मल्टीप्लाई करते हैं 230 मल्टीप्लाई 6.6 मल्टीप्लाई 0.43 कितना आ रहा है रियल पावर? 652.74 वॉट। अगेन क्या फाइंड करनी है? रिएक्टिव पावर। क्या होता है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला? क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा। वी की वैल्यू वही 230 वोल्ट, करंट हमने निकाला था 6.6 साइन, एंगल कितना आ रहा था? 64.46। सॉल्व करते हैं 230 मल्टीप्लाई 6.6 मल्टीप्लाई साइन 64.46 कितना आ रहा है? 0.90228 क्यू। मल्टीप्लाई करते हैं 230 मल्टीप्लाई 6.6 मल्टीप्लाई आंसर कितना आ रहा है? 1369.67 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यह आ गया हमारा फोर्थ का आंसर। हाँ जी आइए अगेन। अब बोर्ड पे हमारा 30 डिग्री का लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है देखिए। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोल रहा है एक प्योर इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज विद सेवन ओम रेजिस्टर। मतलब आपके पास एक इंडक्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टर के साथ। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 7 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 31.8 मिली हेनरी। मतलब आपको यहाँ पे 7 ओम गिवन है और यहाँ पे गिवन है 31.8 मिली हेनरी। ये जो सर्किट आपका है ये किससे सप्लाई हो रहा है? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। क्या क्या फाइंड करना है? सर्किट का करंट, पावर फैक्टर, रियल रिएक्टिव पावर। ऑप्शन 3 भी न्यूमेरिकल बिल्कुल सिमिलर है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया था। मींस अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है। करंट क्या होता है? V / Z।
और जेड फाइंड करने के लिए हमारा जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्स एन। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को आपको सेल्फ करना है एंड इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है, फिर हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स को सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। और देन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा और आप चेक करेंगे कि आपके कितने स्टूडेंट्स का आंसर इसमें करेक्ट है। ओके, जेड निकालेंगे, जेड के लिए क्या चाहिए, एक्सएल। एक्सएल के लिए कैसे निकालेंगे, ओमेगा है, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ है, यहां से एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंपीडेंस को फाइंड आउट करेंगे, किसमें मिलेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किसमें बदलेंगे इसको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और उसका एंगल, यहां पे वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा करंट, साथ में क्या मिलेगा करंट का एंगल, उस करंट से क्या निकलेगा पावर फैक्टर, क्या होता है पावर फैक्टर cos phi। इंडक्टिव सर्किट है मतलब डेफिनेटली करंट लैग करेगा, तो पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा लैगिंग, जब आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा देन हमें क्या फाइंड करना है रियल पावर, किसे निकालेंगे VI cos phi से, किसे मिलेगा वाट में, फिर हम निकालेंगे रिएक्टिव पावर को VI sin phi से, किसे मिलेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इस न्यूमेरिकल को आपको सेल्फ मोड पे ट्राई करना है, ओके, एंड इसका आंसर आपको पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी सर्किट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन कुछ अदर टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेके जाएंगे, उनको भी हमें अटेम्प्ट करना है, वन बाय वन हर पैटर्न के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।